रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके को भी सिखाऊंगा और साथ में मैं अलग अलग तरह की रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी आपको मैं बताऊंगा। इन ऑर्डर टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन वी हैड इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हम इधर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करेंगे। यह ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर जीरो वैल्यू होगी। इट्स जनरली इंटीग्रल वैल्यू। हम कहते हैं यदि किसी स्पीशीज का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मींस वी आर विजुलाइजिंग ऐसे उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, डोनेट कर रखे हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है। ऑल्दो इधर मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स नेवर अ फैक्ट, इट्स मियरली अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। इट्स मियरली अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। मैं इधर ये बात साफ साफ कह दूं, इट मे नॉट बी अ फैक्ट, इट मे नॉट बी द फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने K2MnO4, यह एक कंपाउंड है और इसमें अभी मैं Mn के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कहूंगा। मैं भी समझाऊंगा कि ये कैसे आया, अभी तो सिर्फ ये बात बता रहा हूं। K2MnO4 फोर्थकमिंग लेक्चर, अभी जो मैं आगे समझाने वाला हूं उसमें मैं ये बात बताऊंगा। हियर Mn इज एट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6। इसका मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि Mn ने, मैंगनीज ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिए हैं और अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देकर अपने ऊपर +6 का चार्ज ले लिया है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऐसा हम सोच रहे हैं। अब क्या यह सचमुच में सच्चाई है, क्या यह फैक्ट है, क्या वाकई में K2MnO4 में मैंगनीज ने किसी को 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? द ट्रूथ इज नो, दिस इज नॉट अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि इस कंपाउंड में मैंगनीज ने वाकई में अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे और इसके ऊपर वाकई में +6 का चार्ज है, यह कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर यह है क्या, हम कहते हैं मैंगनीज का हम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, यह सिर्फ एक कंसेप्ट है, ये महज एक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को हम सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देने से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आसान हो जाता है, हमारे पास एक सिस्टमैटिक मेथड आ जाता है।
हम NaCl में सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन कहेंगे, क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन कहेंगे। अब इस कंपाउंड के लिए यदि हम बात करें तो इधर जो हम सोडियम का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन कर रहे हैं और क्लोरीन का माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, ये एक फैक्ट है, वाकई में ऐसा होता है। NaCl में सोडियम सच्चाई में अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है और प्लस वन का पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। क्लोरीन सच्चाई में एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऊपर माइनस वन का चार्ज एक्वायर कर ले। NaCl के केस में सोडियम के लिए इंट्रोड्यूस करा गया प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोरीन के लिए इंट्रोड्यूस करा गया माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एक फैक्ट है। जबकि K2MnO4 में Mn के लिए इंट्रोड्यूस करा गया प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, वो फैक्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा इट मे नॉट बी द फैक्ट और इन फ्यू केस इट मे बी द फैक्ट। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो खास वजह है वो सिर्फ एक ही है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का एक सिस्टमैटिक मेथड चाहते हैं, इसलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब एस आई टोल्ड यू, हम जितने भी कंपाउंड है उन सभी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे। उस ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने के लिए, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ रूल्स बना रखे। अब सबसे पहले मैं वही रूल्स आपको समझाऊंगा, जिन रूल को आप हमेशा दिमाग में रखोगे और जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें डिटरमाइन करना है, इन्हीं रूल को अप्लाई करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करेंगे। फर्स्ट रूल इन ऑर्डर टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट टू एनी एलिमेंट इज, इट्स फॉर एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड। यदि हम किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करें या न्यूट्रल कंपाउंड की बात करें, रियोस्ट उसे सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन इट शुड ऑलवेज बी जीरो। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ in it is zero. जैसे यदि मैं बात करूं कंपाउंड लाइक Na2CO3, H2S, CH3, PO4 whole twice और KNO3। नाउ ऑल दिस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रल कंपाउंड Na2CO3, द नेट चार्ज ओवर इट इज जीरो, यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इस Na2CO3 में दोनों सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस द
oxidation state of 3 oxygen atom, their sum should always come out to be zero value. क्योंकि इसके ऊपर net zero charge है. इसी तरह से H2S, the oxidation state of 2 hydrogen atom plus the oxidation state of sulfur atom, it should be zero. Oxidation state of 3 calcium atom plus oxidation state of 2 phosphorus atom plus the oxidation state of 8 oxygen atoms, it must come out to be a zero value. KNO3, oxidation state of potassium plus oxidation state of nitrogen plus oxidation state of 3 oxygen atoms must always be zero. This is the first rule that will always apply. The second rule is for ions. यदि हम किसी भी आयन की बात करें, आयन किस तरह के होते हैं कुछ लिख देता हूं मैं. सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन, CLO4 नेगेटिव आयन, ऑल दिस आर आयन. फॉर सच आयन्स वी यूज टू से सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन इट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द चार्ज ओवर दैट आयन. इस आयन के ऊपर जितना भी आपको चार्ज दिख रहा है, सम ऑफ oxidation state of all atoms in it is charge over that ion. उस ion के ऊपर जितना charge है, that would be equal to the sum of oxidation state. फॉर एग्जाम्पल यदि हम सल्फेट की बात करें, सल्फेट के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव है, माइनस 2 चार्ज है. वी यूज टू से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स वुड बी इक्वल टू माइनस 2. यदि हम नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज है माइनस 1. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम वुड बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस 1. फॉस्फेट की यदि हम बात करें, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन, और फॉस्फेट आयन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स would be equal to minus 3. Chloride इसमें minus 1 charge है, chlorine का oxidation state minus 1 ही होएगा इस केस में. CLO4 negative, इसके ऊपर minus 1 charge. We call it chlorate ion. हम इनके नाम को भी समझेंगे कि आखिर ये नाम कैसे हम बोल रहे हैं. This is called chloride ion. Well, this is called chlorate ion. Chlorate ion में charge minus 1 है. Oxidation state of chlorine plus oxidation state of 4 oxygen atoms would be equal to minus 1. Now, इन दोनों रूल को देखने समझने के बाद हम कहते हैं, द थर्ड रूल इज फॉर अल्कली मेटल्स.
अल्कली मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है दे आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स. फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स. दोस मेटल्स आर लीना के रब FRCS. Lina Cherub FRCS means lithium. Li Na means sodium. K Rub means rubidium. And then FRCS. FR niche hai vaise. Aur CS upar. Cesium friendship. This are alkali earth metals, alkali metals or first A group element. जिसमें से मैं इधर बता दूं, हम friendship की कभी बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि friendship available नहीं होता है. यह एक radioactive element है, कुछ seconds के लिए ही बनता है, कुछ seconds में ही बन के disappear भी हो जाता है. हम बातचीत करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम. ऑल दिस एलिमेंट इन देयर कंपाउंड्स वुड बी ऑलवेज असाइंड विथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1+1. इन कंपाउंड their oxidation state is always +1 without any exception. There is no exception in this situation. Koi exceptions is situation mein nahi hai. In fact, idhar main ek point aur bol dun. For such alkali metals, their oxidation state is a fact. In alkali metals ke liye, inka jo oxidation state hai, it's not merely a concept. It's a fact for all this element. Alkali metals ke liye jo hum oxidation state kehte hain, isko sirf ek concept mat kaho. Ye inke liye sachai hai, waqai mein. इन सभी एलिमेंट ने कंपाउंड बनाते समय अपना इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को दे रखा होता है. देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ फैक्ट. इनका जो हम प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर रहे हैं, तो सचमुच में कंपाउंड के अंदर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सचमुच में कंपाउंड बनाते समय यह अपना एक इलेक्ट्रॉन को गवा देते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं. और अल्कली मेटल के इस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता. अब द फोर्थ रूल. The fourth rule is for alkali earth metal. Alkali earth metals. Now, what are alkali earth metals? Periodic table में जो second A group के element है. Next to this. Second A group elements, they are termed as alkali earth metal. कौन से वह element है? बेमग का सिरबारा. बेमग का सिरबारा. बे means beryllium, मग
मैग्नीशियम का, कैल्शियम सर, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. दिस आर अल्कली अर्थ मेटल. अब इधर हम ये रेडियम की बातचीत नहीं करेंगे. रेडियम के कंपाउंड जनरली होते ही नहीं है. यह भी रेडियो एक्टिव है, कुछ समय के लिए बनता है और कुछ समय में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही यह गायब भी हो जाता है. आपको यह अर्थ पर ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा. बाकी के सभी एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. नाउ द रूल इज इन कंपाउंड्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज प्लस टू. वंस अगेन नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस सिचुएशन में भी. इन कंपाउंड्स their oxidation state is always plus 2. और इस रूल के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ऐसा होगा. और इधर भी एक बात बता दूं, इसका कोई एक्सेप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम असाइन कर रहे हैं वो महज कंसेप्ट नहीं है, वो इस केस में भी एक सच्चाई है. देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ फैक्ट. इज अ फैक्ट. वाकई में यह एलिमेंट कंपाउंड बनाते समय, केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते समय अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को, सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं. और जब यह अपने दो इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब कंपाउंड बनाता है तो दो इलेक्ट्रॉन वाकई में किसी और को देता है और अपने ऊपर प्लस टू चार्ज ले लेता है और उसी प्लस टू चार्ज को हम उसका प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं. तो इन सभी कंपाउंड के केस में भी जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वह एक फैक्ट है, वह एक सच्चाई है. इसीलिए हम इन्हें कोई एक्सेप्शन नहीं कह रहे. इधर एक बात और, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अल्कली मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल. अल्कली का मतलब है सी, इट्स अ ग्रीक टर्म फॉर सी, समुद्र. अल्कली मेटल मींस metals, the metals which are found in sea. And earth metal, alkali earth metal means the metals which are found on earth crust. वह metal जो earth पर मिलते हैं. Alkali metals generally आपको समुद्रों में मिलते हैं. समुद्र में जो खारा पानी होता है, वहां पर जो नमक होता है समुद्र के अंदर, all those salt are lithium, sodium and potassium salt. जबकि जमीन पर आपको जो भी सॉल्ट मिल रहा है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऑल दिस आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट, दैट्स व्हाई दे आर अल्कली अर्थ मेटल. नाउ द फिफ्थ रूल टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिलेटेड टू फ्लोरीन. The fifth rule is related to fluorine. In compound, fluorine is always assigned with minus one oxidation state without any exception. It's always assigned with.
zinc minus 1 oxidation state in compounds. Once again, no exception, कोई exceptional case नहीं है, because it's a fact, क्योंकि फ्लोरीन के लिए भी यह एक सच्चाई ही है. किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन हमेशा जो भी सामने आएगा उससे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल लेगा और फ्लोरीन हमेशा फ्लोराइड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है. फ्लोरीन कंपाउंड में हमेशा F माइनस 1 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा और इस रूल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं. The sixth rule is for hydrogen. अब देखिए, अभी तक मैंने जितने भी रूल बताए हैं उनके कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं थे, उनकी कोई स्पेशल सिचुएशंस नहीं थी. अब इसके बाद फिफ्थ तक तो कोई एक्सेप्शन नहीं, अब इसके बाद सिक्स्थ ऑनवर्ड मैं जितने रूल बता रहा हूं उनमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस को हमें दिमाग में रखना होगा. देखिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड इज जनरली एजाइंड विद प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स वेयर इट्स माइनस 1. It's generally assigned with plus 1 oxidation state in compounds. Hydrogen in its compound is generally assigned with plus 1 oxidation state. अब इधर exception लिख रहा हूं, except in hydrides where it's minus 1. Hydrides में hydrogen का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज माइनस 1, या फिर यह कहो कि जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1 दिख रहा है उस हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड कहेंगे. For example, if I talk about H2O, H2O में यह एक normal hydrogen है, यह कोई exceptional hydrogen नहीं है. इस normal compound में hydrogen का oxidation state हम plus 1 कहेंगे और प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले दो हाइड्रोजन है, इस तरह से दोनों हाइड्रोजन के ऊपर प्लस 2 हुआ तो इस ऑक्सीजन के लिए हम माइनस 2 कहेंगे. यह एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक नॉर्मल कंडीशन है जो हमेशा होती है. अब हाइड्राइड वाली कंडीशन बताता हूं. फॉर एग्जांपल अनदर कंपाउंड NaH. Now, this is a neutral compound. यदि यह एक neutral compound है, तो इसमें sum of
ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी जीरो. अब सोडियम के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, सोडियम जो कि अल्कली मेटल है, जो फर्स्ट ए ग्रुप में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होगा प्लस वन. और यदि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन हो गया और सोडियम प्लस हाइड्रोजन का जीरो होना है, तो हाइड्रोजन का कंपल्सरीली इधर माइनस वन होगा. इस जगह पर हाइड्रोजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इस जगह पर जो हाइड्रोजन है वह हाइड्राइड कहलाएगा. दिस हाइड्रोजन वुड बी कॉल्ड हाइड्राइड एंड दिस कंपाउंड वुड बी कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड. इसे हम सोडियम हाइड्राइड कहते हैं. इसी तरह से पोटेशियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड. पोटेशियम हाइड्राइड में भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, लिथियम हाइड्राइड में भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन. जहां कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन दिखता है, उसे आप हाइड्राइड कहते हो. इसे आप पोटेशियम हाइड्राइड कहोगे क्योंकि पोटेशियम का प्लस वन कंपल्सरी, लिथियम का प्लस वन कंपल्सरी है, इसलिए हाइड्रोजन का माइनस वन. इसी तरह से बेरिलियम हाइड्राइड BeS2, मैग्नीशियम हाइड्राइड. बेरिलियम के लिए हमने बिल्कुल साफ साफ समझा रखा है विदाउट एनी एक्सेप्शन, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही अल्कली अर्थ मेटल है. यदि यह दोनों ही अल्कली अर्थ मेटल है, इन दोनों का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू ही होना है और इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई एक्सेप्शन नहीं है. कंपाउंड में जहां कहीं पर भी बेरिलियम और मैग्नीशियम है, इनका प्लस टू ही होना है. तो दोनों हाइड्रोजन का मिलकर होगा माइनस टू. दोनों हाइड्रोजन का मिलकर माइनस टू मतलब एक हाइड्रोजन का माइनस वन. इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का माइनस वन है, इसलिए इन कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन है वह हाइड्राइड कहलाएगा और इन कंपाउंड को हम कहेंगे बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड. इस तरह से जब हम कंपाउंड का नाम बोलते हैं तो नाम के साथ भी हमें हल्का सा यह अंदाजा लग जाता है कि इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. नाउ द सेवेंथ रूल इज फॉर ऑक्सीजन. सेवेंथ रूल इज फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज जनरली असाइंड विथ माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज कॉल्ड ऑक्साइड. अब इधर एक बात ध्यान रहे, हम ऑलवेज टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जनरली टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं. जनरली मीन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस. जहां मैंने ऑलवेज लिख दिया वहां तो कोई फिर एक्सेप्शन है ही नहीं, इधर मैंने जनरली लिखा है. जनरली assigned with minus 2 oxidation state, O minus 2, it's called oxide, it's oxide, इसे हम oxide कहते हैं. Except in अब एक्सेप्शंस देख रहा हूं, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड एंड OF2 और F2O.
देखिए मैं बताता हूं, जनरली ऑक्सीजन जब भी किसी कंपाउंड में होगा, जब भी किसी जगह पर होगा, तो आप उसका माइनस टू ही सोचेंगे, उसको ऑक्साइड के रूप में ही सोचेंगे। मगर कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स वहां होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन दिखता है। जैसे पेरोक्साइड्स बताता हूं मैं, H2O2 में कंपल्सरीली हाइड्रोजन का प्लस वन होना है। अब इस जगह ये कोई हाइड्राइड तो है नहीं, H2O2 में हाइड्रोजन का प्लस वन, दो हाइड्रोजन का प्लस वन ऑक्सीजन के लिए मैं X लिखूं, दो ऑक्सीजन है तो 2X, दो हाइड्रोजन के लिए प्लस वन प्लस टू ऑक्सीजन एटम और एक एक ऑक्सीजन का मैंने X लिखा। इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी जीरो, सो इट इंप्लाय दैट X मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन। इस जगह पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन। इन पेरोक्साइड इट्स एट माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है। हम अभी एग्जाम्पल डिस्कस करते समय काफी इसकी चर्चा करेंगे। सुपर ऑक्साइड्स, एक ही सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, KO2, इन सुपर ऑक्साइड्स, आप देखिए पोटेशियम की हमेशा प्लस वन होनी है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, पोटेशियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम हमेशा प्लस वन लिखेंगे। और KO2 जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके लिए अब हम लिखेंगे एक पोटेशियम की प्लस वन और दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए X लिख दिया और पोटेशियम प्लस वन, दिस फॉर द पोटेशियम, ऑक्सीजन इट्स X प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। हियर X कम्स आउट ही माइनस वन बाय टू। इन सुपर ऑक्साइड्स ऑक्सीजन इज एट माइनस वन बाय टू ऑक्सीडेशन स्टेट। और यह जो कंपाउंड है OF2 या F2O किसी भी तरह से लिख दो उसको, OF2, इधर ऑक्सीजन के लिए X लिखूंगा और मैं अच्छी तरह से जानता हूं फ्लोरीन के लिए माइनस वन होता है, दो फ्लोरीन है वहां पर, दो फ्लोरीन है वहां पर और दोनों फ्लोरीन के लिए माइनस वन, तो हियर X कम्स आउट टू बी प्लस टू। मतलब ऑक्सीजन के लिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज रिटर्न इन दिस मैनर, जो एलिमेंट है, जो एटम है, उसके टॉप में राइट साइड में प्लस या माइनस करके इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करा जाता है, लिख दिया जाता है। और आप एक बात देखें, OF2 इज द ऑनली कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन इज एट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। F2O सिर्फ या एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में है। इसके अलावा और कोई सा भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जहां ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में होती है। दिस इज द ओनली कंपाउंड वेयर ऑक्सीजन इज एट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
अदरवाइज ऑक्साइड्स में वो हमेशा माइनस टू पर होगी, जैसा मैंने इधर लिखा है। पेरोक्साइड्स में वह माइनस वन पर है, सुपर ऑक्साइड्स में वह माइनस वन बाय टू पर है, और OF2 में यह पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट समझने के बाद, देखने के बाद, फॉर्म थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थालियम। और तो बहुत ज्यादा अभी आप लोगों से इनके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, पर फिर भी हम रूल जरूर बताते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थालियम, इन कंपाउंड्स दे आर ऑलवेज असाइंड विद प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। In compound, they are always assigned with plus three oxidation state. No exception in this situation. इन सभी रूल्स को ध्यान से देख लेने सुन लेने के बाद अब मैं इनको अप्लाई करने की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं ढेर सारे कंपाउंड, ढेर सारी सिचुएशंस दूंगा और उनमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी। जिन जिन के लिए मैं कहता हूं आपको, उन उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होगी। एक बार बड़े ध्यान से इन सभी रूल को देख लीजिए and now we'll start practicing the application of these rules. हम अलग अलग compounds के लिए oxidation state determine करना सीखेंगे इसी समय क्लास में। एक बार rules को बड़े